बीजेपी को लेकर अब मुकेश सहनी के तेवर ढीले पड़ते जा रहे हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि वहां अगर वो फाइट करेंगे तो दोस्ताना फाइट करेंगे, तो बीजेपी से अब दोस्ती की बात कर रहे हैं, दोस्ताना फाइट की बात कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, हाँ उसमें कोई कहने वाली बात है। आपने देखा कि 19 में भी जब हम यूपीए गठबंधन में थे, एक सीट को लेकर हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा था सिमरी बख्तियारपुर में, और फिर उसके बाद जब मैं उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़ सकता हूँ तो बिहार प्रदेश हमारा अपना घर है, तो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और सब लड़ेंगे, और भाजपा भी अगर वहाँ पे प्रत्याशी दिए तो दोस्ताना संघर्ष होगा। लेकिन जेडीयू साइलेंट मोड में है, जेडीयू साइलेंट मोड में, जिस तरीके से बीजेपी ने आप कह रहे धोखा दिया है, जेडीयू साइलेंट मोड में कुछ कह नहीं रही आपके साथ, सही हुआ है या गलत हुआ है? वो तो अभी जेडीयू साहब पूछेंगे ना, बाकी रहा कि एनडीए ही चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे, और रहा कि दोनों तरफ से प्रत्याशी है तो जिनको जो इच्छा होगा, जिनको मदद करने होगा वो स्वतंत्र है, मदद करेंगे, हम अपने दम पे लड़ेंगे। पटना से देशवा न्यूज के लिए मिशाल सिन्हा।